जैसे कि कल आप लोगों ने देखे कि मैं पोहा बना रही थी, उसके बाद ना तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सो गई थी क्योंकि आज जॉब जाना था बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 3 वीक्स हो गया है, मंथ होने को आया था, मैं जॉब नहीं जा रही थी, मेरी तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था, तो अभी लगा कि नहीं बहुत हो गया, आज कैसे भी करके जॉब जाना है, क्योंकि आप भी समझते हो दूसरों का काम करना है और इसलिए जॉब तो जाना पड़ेगा, है ना। चलो आज बेटे को लेने के लिए तो मैं आ चुकी हूँ, बेटे को ले लेती हूँ और घर जाके देखती हूँ क्या करना, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना भी बनाना है आज, सब्ज़ी वगैरह खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि राइस बनाई थी रात को, तो राइस बना हुआ है क्योंकि नवा को जॉब भी लेके जाना था ना लंच पे और डिनर पे भी, तो राइस बना हुआ था, थोड़ा सा सब्ज़ी था वो नवा लेकर चले गए, और अभी सब्ज़ी बनाना है मुझे थोड़ा बहुत कुछ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो भी बनाऊँगी आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करना है, सर आपको जब तक नहीं बोलेगा तब तक तो इसका दिमाग खाली नहीं होता है। Did you say hi everyone? Hi. 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 जैसे कि बोले थी जो बनाना है आप लोगों के साथ शेयर तो करना ही था, आज मैं बना रही हूँ थोड़ा सा फिश करी, नॉर्मल जो बंगाली का फिश होता है ये नहीं, हाँ ऑफकोर्स बासा है, तो बासा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मतलब जो बंगाली मार्केट से मैं नहीं लेके आई, ये मुझे इधर ही सुपर स्टोर वगैरह पे मिल जाता है। देखो जैसे उस मसाला भून गया था ना, उसके अंदर मैंने फिश को फ्राई करके और आलू को फ्राई करके मैंने डाल दिए थे, फिर पानी दे दिए, अभी उबालने के लिए वेट कर रही हूँ, उसके बाद गरम मसाला दे दूँगी फिर हो जाएगा। ये फिश करी बन के तैयार हो गया है, ये राइस मैंने बना ली, कोई बोल सकता है ये राइस दिमाग लगा ली, राइस बना लिए, तो क्योंकि कल बेटे का भी लंच हो जाएगा, मेरे भी हो जाएगा, नवा भी जब भी सुबह का जो दोपहर का लंच नवा का भी हो जाएगा, तो सुबह का एक टाइम का लंच का जो भी हम लोग का टेंशन था मैंने वो ख़त्म कर लिया है, थोड़ा सा कहीं ना बिरयानी कुछ बना ली, मतलब वाटर वाटर जो भी बोल सकते हो, क्या बोले यार, थी नहाने फिर लगा 7:20 ऐसा कुछ हो रहा है, और बाहर देखोगे पूरा, और लगा कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाओ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बाहर के बाहर देखो अभी सारे के सारे जो पत्ते हैं ना अभी ऐसे येलो होने को आया, कितना अच्छा लगता है ना, बट वही है जब भी येलो हो जाता है ना, आए जो लीव चारी तरफ की जो भी लीव है सारी की सारी येलो होने को आया, तो मतलब इसका अभी तक हुआ नहीं है, इसका भी हो जाएगा, ऊपर ऊपर का दिख रहा है कुछ कुछ, और पीछे की तरफ देखो सारे की सारी ओले हो चुके हैं, और देख रहे हो ये देखो इस साइड का सारी ओले हो चुके, और अभी 7:20 हुआ है, बाहर शाम हो रहा है, मुझे लगा मैं नहाने जाती हूँ, उससे पहले आप लोगों को एक बार दिखा दूँ बाहर, मेरे पड़ोसी ने देखे सोलर लाइट लगाए, बहुत सुंदर सा लग रहा है, और मेरे शायद वो लग रहा है वो वाला ख़राब हो रहा है, पता नहीं चेंज करना पड़ेगा, और अभी दूसरे वाला तो मुझे थोड़ा सा ठीक करने के टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ठीक करना है, सारे के सारे जल जाएगा, ये देखो सारे के सारे जल जाता है, जैसे वो तो जल रहा है अरे भी जल जाएगा थोड़ी देर पे सारे, ये देखो मिट्टी का भी मैंने वो जो रखा हुआ है पर वो टाइम नहीं मिल रहा है नवा के पास भी, और ऊपर से मेरी भी तबीयत सही नहीं था, तो अभी तक कुछ भी तय करके नहीं रख पाए, थोड़ा बहुत करके रखी हुई हूँ, और तीनों इधर क्योंकि मैंने ये मिट्टी ना मुझे सुखाना था तो इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ देखिए मुझे लग रहा है नहाना हो चुका है, मैं नहा के जस्ट निकल के मैं आई हूँ पूजा रूम पे, पूजा तो कुछ नहीं करना, जस्ट मैं इतना पूजा वूजा नहीं करती हूँ बहुत कम, तो जस्ट पूजा रूम पे आई, हाथ जोड़ना है दैट्स इट, थोड़ा सा भगवान के सामने हाथ जोड़ के फिर अपना काम, फिर ऐसा कोई काम है नहीं, बट वही है जस्ट अभी थोड़ा सा रेस्ट,
बैठना है, उसके बाद रात का खाना, फिर सो जाना। तो चलो मैं पूजा जो भी है, जो भी करना है करना तो है, भगवान के सामने एक बार हाथ जोड़ लूँ, राधा रानी का नाम ले लूँ, भगवान के भी हरे कृष्ण एक बार बोल दूँ, करके मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा पूजा कर लूँ। पूजा करने के टाइम में बात नहीं कर सकती हो। चलो पूजा भी हो गए, नहा धो के थोड़ा सा क्लीन होगी, अब जस्ट आके मैं बैठी हूँ। बेटा बैठे है कि अपना थोड़ा सा ड्राइंग करने के लिए, चलो 15-20 मिनट बेटा ड्राइंग कर ले, उसके बाद बेटे को भी डिनर दे देना है और देखती हूँ मेरे खाना, क्योंकि मेरे खाने का कोई आते पाता होता नहीं है। बट आज मुझे मेडिसिन तो लेना है, बहुत खतरनाक सा मेडिसिन ले रही हूँ, तो मेडिसिन तो लेना है यार, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है इतने दिन के बाद काम, और समझ सकते हो इतना तबीयत खराब होने के बाद भी जॉब के लिए, और जो होता है व्हाटएवर करना तो पड़ेगा। मैं सोची थी मैं इधर ना वीडियो एंड कर दी, फिर लगे एक मजाक की बात आप लोगों को, ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद मैं जॉब करूँ, आज जाने के बाद क्या हुआ, जैसे नॉर्मली जाने के तुरंत ही ना हम लोगों का क्या होता है पंचिंग पंच आउट होता है, और मैं पंचिंग करने के लिए गई, मेरा जो कोड है मैं भूल गई, मैंने बहुत देर तक खाई और सुबह सुबह मैनेजर नहीं थे कि मैंने उनको देखो पूछ लूँ, अरे भाई जो हमारे जिसके पास कोड होता है मैं उनको देखे पूछ लूँ, अरे मेरा कोड तो दे दे मुझे, अरे मेरा कोड मैं बार बार कर रही हूँ और गला बार कर रही हूँ, गला तो हो रहा है, ये क्या हो गया। फिर मैंने खुद ही हंसने लगी, बस हाल मुझे हंस के डाला, मैंने अपना कोड भूल गई मैं, सब लोग बोले हाँ प्यास इतने दिन के बाद आए ना उसका विदाउट पे है अभी, जब कोड आप कोड पंचिंग करते हो, और जैसे हम लोग ब्रेक में जाते हैं तब भी पंचिंग करना होता है, जब आते हो तब पंच मतलब जैसे जब हम लोग जाते हैं पंचिंग करते हैं, जब ब्रेक में जाना होता है तब पंच आउट करना होता है, फिर ब्रेक के आने के बाद पंचिंग करना होता है, जब आपका जॉब ख़त्म हो जाता है मतलब एंड, तो फिर आपको पंच आउट करना होता है। तो ईजी ये होता है कि आपका कितने आवर आपका जॉब कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको पे मतलब उसी के हिसाब से आपका पे होता है, मतलब पे आवर काउंटिंग होता है, और मैं आज भूल गई हूँ। फिर सारे लोग मेरे पीछे हंसने लगे, और मैं ना मुझे बहुत बुरा ही लग रहा था यार, मैंने क्या भूल कैसे गई। फिर मैं बोला चलो मैं वेट करते, अपना स्टोर मैनेजर जो है वो बहुत देर से आई, फिर उनको जाके वो भी हंसने लगे थे, भूल गई एक मात्र तेरे भूल गई है ना, हाँ मैं भूल गई, फीवर हुआ था ना, फीवर के साथ फीवर भी कम हो गया और वो भी मैं भूल गई, साथ ही साथ फीवर लेके चले गए मेरे पाँच मेरा फोन नंबर, फिर उन लोगों ने दिया, बहुत मजाक हुआ मेरे साथ, मतलब मैं भूल गई थी, फिर उन लोगों ने मुझे तैयबा काट दिया, मैंने चलो ठीक है थैंक यू सो मच, कम फिर से वही कोड है, फिर से मुझे याद दिला दी ये तेरी कोड, फिर से तो दवाई को कर लेना पंचिंग पॉइंट काल से कर लेना। मजाक हो गया था मेरे साथ, ऑलमोस्ट एक घंटा मेरे इसी के पीछे मेरे चले गए जॉब पे, और बहुत हुआ था, वट एवर क्या करें। तो चलो आज ये वीडियो इधर में है, इधर एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ और एक धमाकेदार मज़ेदार सा खुशबूदार सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है, और आप खुश रहोगे आपका फैमिली खुश रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको हेल्दी रहना है, क्योंकि आप मुझे ही देख रहे हो, ऑलमोस्ट एक मंथ मैं बेड पे थी तो मेरे घर की हालत क्या था, मतलब दिन तो शुरू तो हो रहा था, कहाँ से ख़त्म हो रहा था, क्या हो रहा था कुछ नहीं पता। तो इसलिए आपको खुद को सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद को अपना फैमिली को सेफ रखना, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना कहाँ से क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, अभी वेदर भी बहुत गंदा हो रहा है, यही हो रहा है प्लस टू, फिर से हो रहा है प्लस 23, तो बहुत गंदा सा वेदर है, उसी के बीच ठीक रहना है और हमेशा हंसते रहना है, प्लीज़ हंसते रहो, आप हंसोगे तो आपके आसपास के सारे लोग हंसते रहना, तो सबसे बड़ा मेडिसिन होता है हम लोगों के लिए हंसना, स्माइल। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम ब्लॉग, तब तक के लिए लव यू ऑल, और छोड़ते छोड़ते जाते जाते प्लीज शेयर कमेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, मेरे जो नेक्स्ट धमाकेदार मजेदार सा ब्लॉग आने वाला है वो भी आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा, तब तक के लिए
लव यू ऑल।